अरे दिए तो। अबे ये देने वाला दो नहीं, टू वाला दो, दो नोट दो। दो? हाँ दो हो। अबे ये कौन सा दो है? अरे चाचा ये दोनों वाला दो है, देने वाला भी दो है और टू वाला भी दो है, जल्दी निकालो। अरे तुम टाइम बहुत खाते हो, ये ले जाओ यार अपना। नहीं, 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 ये लो। शुक्ला जी, जी, जी क्या है ये? रिश्वत सर। क्या सर? ये मतलब गलती से हमको दे रहा था, क्यों देते हो रिश्वत? रखो अपना रिश्वत, हमको मत दिया करो रिश्वत। भाई साहब जो पहले लिए थे वो भी दो। कौन से? ऐसे ही बोलता, ये पता नहीं कहां से आ गया। सॉरी सर। थैंक यू। शुक्ला, शर्म नहीं आती आपको? आज के बाद अगर मैंने रिश्वत लेते हुए देख लिया ना तो सस्पेंड करा दूंगा। देख रहे हैं पटेल साहब, पानी हद से ऊपर बढ़ता जा रहा है। यही तो, ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। भाई गॉड की कसम, एक हफ्ते से अपने ही जेब से पान खा रहे हैं। एक काम करो। क्या? रिश्वत चाय की शक्ल में लो। मतलब 100 रुपया रिश्वत तो एक कप चाय, 200 रुपया रिश्वत तो दो कप चाय, और पेमेंट चाय वाले के पास। अरे पटेल साहब, दिन भर में 15-20 चाय हो जाएंगे, वैसे ही पेट खराब रहता हमारा। हाँ तो तुम पान खा लेना। ठीक है, 100 रुपया पर पान। सर सर हम तो समोसे खाएंगे। ओके ओके। और देखो कोई भी लोचे वाला मैटर हो तो पांडे को पता नहीं चलना चाहिए। ओके यही तो। तो शुरू होता है हमारा मिशन गुप्त ज्ञान, गुप्त रिश्वत। अरे नाम बोलो। मुझे आपकी सहेली के सास का नाम नहीं मालूम। अरे सास का किसने पूछा? आपका नाम बोलो। आपने तो पूछा। आपका नाम बोलो। मेरा नाम खैरातलाल खुचड़ी। एक मिनट मैं बाद में फोन करती हूँ, इनको जरा निपटा लेती हूँ। बाय। हाँ खैरातलाल खुच, हाँ ये लो, यहाँ पे साइन करो। थैंक यू। ये लेके जाओ। नेक्स्ट। गया। हाँ पता है वो गया। अपना नाम बोलो। जी गया। यही तो, जाने दो ना, अपना नाम बोलो। जी गया। ज्यादा गया गया क्या, तो भगा दूंगी, चुपचाप अपना नाम बोलो। जी गया मेरा नाम है। गया तुम्हारा नाम है? जी हाँ, गया प्रसाद यादव। अच्छा गया जी। तुम्हारा कार्ड नहीं आया जी। जाओ कल आएगा। नेक्स्ट। जी मैं मुसद्दीलाल लालवानी। तुम्हारा भी कार्ड नहीं है मेरे पास। नहीं कार्ड तो मेरे पास है। तो फिर यहाँ क्या लेने आया हूँ मैं? कुछ लेने नहीं आया। तो क्या देने आए हो? देखो पटेल चाय लेता है, भाटिया समोसा, शुक्ला पान। मैं कुछ देने के लिए नहीं आया। मैं तो यहाँ पे अपनी बीवी का नाम चढ़वाने के लिए आया। कहाँ चढ़वाओगे? राशन कार्ड पे चढ़वाऊंगा। आप चढ़ाएंगी? तो क्या बिना दिए ही चढ़ जाएगा? नहीं नहीं दूंगा ना। क्या दोगे? अपनी बीवी का नाम दूंगा, लाजवंती लालवानी। आप चढ़ाएंगी? नहीं, नाम तो भाटिया जी चढ़ाते हैं, उनसे मिलो। नाम तो चढ़ जाएगा पर गर्मी बहुत है। हाँ वो तो है। अरे पसीना इतना आता है कि सारा खाया पिया पसीना बन के बह जाता है। हाँ वो तो। फिर पेट खाली। हाँ वो तो। भूख ऐसी लगती है कि बस पूछो मत। हाँ वो तो है ना। तो पहले कुछ खा ले। खा लीजिए। शुक्ला जी। जी। अरे भाई इनको भूख लगी है, इनके लिए कुछ समोसे वगैरह ले आओ। नहीं 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 मुझे भूख नहीं लगी है। अभी तो आपने कहा कि आपको भूख लगी है। नहीं वो तो मैंने ऐसे ही मतलब तो ऐसे ही वैसे थोड़ा बहुत खा लीजिए ना सरकार। हाँ जाइए जाइए, 10 समोसे 10 कचोरी और 2 कोल्ड ड्रिंक ले आइए बस। नहीं इतना मैं अकेले नहीं खा सकता। अरे भाई साहब हम भी तो खाएंगे, आप अकेले खाए ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। बुजुर्गों ने कहा कि पहनना अकेले में लेकिन खाना पीना सबके साथ। मुझे ना राशन कार्ड पे अपनी बीवी का नाम चढ़वाना है। अरे नाम क्या, बीवी को भी चढ़ा देंगे। अब नाश्ता वाश्ता कर लेना पहले। पर नाश्ता आने में तो टाइम लगेगा। कहाँ आ गया सर, देखिए। ₹130। क्या रुपया? किस बात का? अरे भाई आपने खाने के लिए मंगवाया, उसके लिए। मैंने कहाँ मंगवाया? अरे आपने तो बोला था कि मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं पर वो और छोड़िए भाई साहब, पैसे दीजिए और काम बताइए। काम के मतलब पिछले महीने मेरी शादी हुई है। फिर तो मिठाई भी बनती है। किस बात की? शादी की। भाई शुक्ला जी गुलाब जामुन आने दो। पहले पैसे आने दो ना। अच्छा ये लो भाई, लो ये 100 और ये ऊपर से 50। खाओ 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 खाओ। क्या हो गया भाई साहब, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। नहीं मुझे भूख नहीं है। अरे तो फिर इतना सारा मंगवाया क्यों था? एनीवे तो आपकी शादी हुई, उसके बाद? मेरी बीवी ना शाहजहांपुर में रहती थी, वहाँ के राशन कार्ड से उसका नाम कटवा दिया है, अब यहाँ के राशन कार्ड में उसका नाम चढ़वाना है। चढ़ा दोगे? भाई इसके लिए तो आपको शुक्ला जी से मिलना पड़ेगा। जी तो आप इतनी देर से क्या कर रहे हैं? भाई हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म तो शुक्ला जी देते हैं ना, हम तो लोचे वाले मैटर देखते हैं। भाई शुक्ला जी। जी इनको फॉर्म दे दो यार। आइए। कहाँ? पान की दुकान पर। हैं जी ये लीजिए, 1 रुपए दीजिए। ये लीजिए। हाँ फॉर्म भर के बीवी का सरेंडर सर्टिफिकेट अटैच करके पटेल साहब को दे दीजिए।
अरे वो तो बहुत बिजी दिख रहे हैं। अरे वो सिर्फ लुक में बिजी दिख रहे हैं, नहीं बिजी। अच्छा जी पटेल साहब, ये बीवी का नाम राशन कार्ड पे चढ़वाना है। ये साथ में अटैच कर दिया है सरेंडर सर्टिफिकेट, तो आपके सामने रख लूं? आप देख लेंगे? ये आपकी आंखों के सामने रख देता हूं। ये लीजिए, आपकी आंखों के सामने रख दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मैंने वो राशन कार्ड पे नाम चढ़वाना ना बीवी का। यहाँ क्यों रखा? आपने कहा। मैंने क्या कहा? नहीं, जब मैंने पूछा कि मैं रख दूं तो आपने कहा। मैंने कब कहा? आपने कहा ना जब आप फाइल चेक कर रहे थे तो। अरे मेरी तो आदत है हूं करने की, उसे सीरियसली मत लीजिए आप। फाइल देखता हूं ना तो हूं करते रहता हूं, समझे? हूं मत करो, सब्र करो, थोड़ा काम करने दो मुझे। कितनी बार हूं करता है ये आदमी। शुक्ला जी। जी। जरा चाय वाय पिलाओ यार। कौन सी वाली? आप वाली, इन वाली? मैं तो पीता ही नहीं चाय। फिलहाल मेरी वाली पिला दो, इनकी वाली बाद में पी लेंगे। अभी क्या है, बीवी का नाम राशन कार्ड पे चढ़वाना है, फॉर्म भरा, सरेंडर सर्टिफिकेट लाए, राशन कार्ड लाए, ठीक है, इसके साथ अटैच कर दो। 15 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्टर पांडे जी आएंगे और पूछताछ करेंगे। जी, ये इसके साथ ये राशन कार्ड अटैच कर दिया। हाँ, जेरोक्स कहाँ है? किसकी? आपकी। मेरी जेरोक्स? लेकिन नाम तो राशन कार्ड पे चढ़ना ना बीवी का। ओ, मुझे लगा आप पे चढ़ना है। कोई बात नहीं, इसकी जेरोक्स लेकर आओ। राशन कार्ड की? हाँ। पटेल साहब, ये मेरी जेरोक्स। आपकी जेरोक्स? मुझे तो ये राशन कार्ड की जेरोक्स लग रही है। जी हाँ, ये राशन कार्ड की जेरोक्स है। ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल तो घर में है। ओहो, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये आपके राशन कार्ड की जेरोक्स है? पटेल साहब, बार-बार कुछ नहीं, ओरिजिनल ले आओ, जाओ। एक सेकंड, ये लीजिए जेरोक्स ले। ये क्या है, ये तो एक ही तरफ है, दूसरी तरफ कहाँ है? तो यूज तो यही वाली तरफ होती है ना। नहीं, मगर कार्ड तो दोनों तरफ है ना। हाँ, होता तो दोनों तरफ है। फिर जाओ, दोनों तरफ करा के ले आओ। जी बस ये चला। भाई क्या है आपका, क्या है, कब से सर पे खड़े हैं? जी मैं दोनों तरफ की जेरोक्स करा के लाया। किस गधे ने बोला था आपको दोनों तरफ कराने को? आपने? मैंने? पागल हो क्या? एक तरफ चाहिए मुझे, समझे? जाओ ले आओ। ये लीजिए, दोनों तरफ करा लिया। क्या है, क्लियर ही नहीं है, सब काला काला है, वेरी बैड। आप ऐसा कीजिए, आप ये ओरिजिनल ही रख लीजिए। ओरिजिनल? ओरिजिनल रख के मैं क्या करूंगा भाई? नहीं नहीं नहीं, कहीं खोब हो गया तो आप तो सर पे चढ़ जाएंगे। जेरोक्स ले आओ। अरे तो ये है ना, ये एक और ये दो, दो दो है, मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरफ है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये काला काला है, क्या करेंगे? अरे प्रॉब्लम को मारिए गोली हुजूर, चाय पीजिए, चाय पी के सोचिए सब कुछ। चाय पीऊंगा, शायद कुछ समझ में आएगा। समझ में आया? दो घूंट और पी लीजिए। आया समझ में? नहीं। अरे दो घूंट और पी ले। पूरी चाय खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? और चाय मंगाऊं? पैसे कौन देगा, सरकार? नहीं नहीं, मैं दूंगा, मेरी सरकार। आप देंगे? तो पहले बताना चाहिए था ना, खामखा पूरी चाय पीनी पड़ी मुझे जल्दी जल्दी में। एनीवे, चाय की पेमेंट और सब पेमेंट चाय वाले को ही दे देना। ठीक है, मतलब राशन कार्ड पे बीवी का नाम चढ़ जाएगा, 15 दिन बाद इंस्पेक्टर आएगा। अरे नाम क्या, बीवी भी चढ़ा देंगे। वो अगर नहीं आया इंस्पेक्टर तो फिर 15 दिन के बाद आना और उषा जी के पास से राशन कार्ड ले जाना वापस। यही तो, मानती नहीं ना कि मैंने अपनी सास को हड़का के रखा है, खुद जो डरती है अपनी सास से, और नहीं तो क्या। अरे हाँ, वही वाली, क्या नाम है? मुसद्दीलाल लालवानी। मुसद्दीलाल, ये मेरी सहेली की सास का नाम है। जी नहीं, तो मेरा नाम है। तुम्हारा किसने पूछा था? अभी आपने पूछा ना क्या नाम है। मैं अपनी सहेली की सास का नाम याद कर रही थी। मुझे लगा आप मेरा नाम पूछ रही थी, सो सॉरी। ठीक है, क्या नाम है? किसका? तुम्हारा? मेरा, मुसद्दीलाल लालवानी। ये वो बन गया है राशन कार्ड मेरी बीवी के नाम के साथ। एक मिनट, मैं बाद में फोन करती हूँ, जरा इसे निपटा लेती हूँ। हाँ, मुसद्दीलाल लालवानी। नहीं नहीं नहीं, कार्ड मेरे पास नहीं आया। अरे कमाल है ना, इंस्पेक्टर आया घर पे चेक करने के लिए, आप कह रही है राशन कार्ड भी तैयार नहीं है, तो क्या करूं? पटेल साहब से मिलो। आज 20 दिन हो गए हैं मेरी बीवी का नाम मेरे राशन कार्ड पे चढ़ा नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं आया देखने के लिए। 15 दिन हो चुके हैं। क्या कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या कब से क्या करते हो तुम? आप सुनो तो मैं बोलूं। सुन रहा हूँ ना। नहीं, आप तो काम कर रहे हो ना। कौन बोल रहा है काम कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा था मैं तो। अच्छा, देखिए मेरी बीवी जो लाजवंती है उसका नाम मेरे राशन कार्ड पे अभी तक चढ़ा नहीं है। तो भाटिया से मिलो ना। भाटिया से? ये वाला बड़ा अलग था। ये और अलग था।
भाई आपके केस में तो लोचा है। लोचा? लोचा बोले तो गड़बड़। कैसी गड़बड़? देखिए आपकी फैमिली में कुल 5 मेंबर हैं, आप, आपकी पत्नी और 3 बच्चे। जी हाँ। जब आपकी बीवी का नाम पहले से मौजूद है तो दूसरा क्यों भाई? एक बीवी के नाम पे 2 बार राशन लेना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ये मेरी दूसरी शादी है ना। पहली के रहते दूसरी शादी भाई साहब ये गैर कानूनी है। नहीं नहीं, वो पहले वाली तो चली गई। सॉरी 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 भाई साहब, भगवान के घर? हाँ भगवान के घर। भाई साहब कब हुआ ये? यही कोई 6 महीने पहले। मतलब 13वीं का कोई चांस नहीं है? 13वीं? अरे 13वीं तो की होगी ना। हाँ हाँ, बड़ी धूमधाम से की थी, 25 ब्राह्मणों को खाना खिलाया था। क्या भाई साहब, आपने हमें नहीं बुलाया, हमें भूल गए आप? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने आपको अपनी शादी पे ना बुलाया हो। तो भाई साहब शादी में कौन सा बुलाया, दूसरी शादी की ना आपने? क्या है, दूसरी शादी ना थोड़ी जल्दी में हो गई थी। अब आप मेरा काम कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, हाँ जरूर कर देंगे भाई, आपके समोसे हमें अभी तक याद है। बस जाइए, ये अपनी पहली बीवी शाकुंतला लालवानी का नाम इसमें से कटवा दीजिए। इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है भाई, ये इलीगल है। 6 महीने से आप एक मरे हुए आदमी के नाम पे राशन खा रहे हैं, अंदर जाना है क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। तो बाहर जाइए आप। जी जी, बाहर जाइए और जाके अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए। और हाँ, आते वक्त वो गेंदामल हलवाई से समोसे और कचौड़ी ले आइए। जी ए भाटिया साहब, मैं गेंदामल हलवाई से समोसे और कचौड़ी तो ले आऊंगा, लेकिन ये डेथ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई, पहली का नाम कटेगा तभी तो दूसरी का चढ़ेगा। उसके बिना नहीं चढ़ा सकते? अरे भाई पहली उतरेगी तभी तो दूसरी चढ़ेगी। डेथ सर्टिफिकेट तो है नहीं मेरे पास। क्यों, बनवाया नहीं था? नहीं, एक्चुअली मेरी पहली बीवी मरी नहीं। क्या? हाँ भाग गई थी। हाँ वो हमारे पड़ोसी थे ना राधे श्याम जी। हाँ। उनके साथ भाग गई थी। अच्छा, तो भाई डिवोर्स ले लो। नहीं, वो तो मैं ले लूं, पर मिले तो लूं ना। तो ढूंढा नहीं? नहीं ढूंढा तो, 6 महीने तक बहुत ढूंढा, जब नहीं मिली तो फिर दूसरी शादी कर ली। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? अरे भाई ये तो लोचे पे लोचा है। अरे पटेल साहब। हाँ क्या हुआ भाटिया? अरे ये बड़े लोचे वाला केस आ गया भाई। क्या हुआ क्या? देखो इनकी पहली पत्नी भाग गई, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, अब पहली का नाम होते हुए दूसरी का राशन कार्ड में कैसे चढ़ सकता है? हाँ ये तो प्रॉब्लम है, ये तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। क्रिमिनल केस? हाँ, पहली बीवी के होते दूसरी शादी, मतलब हिंदू लॉ के अंतर्गत जेल। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं तो सऊदी जाना चाहता हूँ और बीवी को साथ ले जाना चाहता हूँ। तो उसका पासपोर्ट बनवाना है, राशन कार्ड पे उसका नाम नहीं होगा तो उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा तो वो मेरे साथ सऊदी नहीं जा सकेगी। आप किसी तरह से चढ़ा दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं चढ़ा सकते। अरे आपने तो कहा था कि नाम तो क्या, मैं तो बीवी को चढ़ा दूंगा। अरे तब पता थोड़ी था कि पहली बीवी पहले से चढ़ी हुई है। हाँ, पहली पे दूसरी नहीं चढ़ा सकते। कुछ कीजिए प्लीज, चढ़ा दीजिए। भाई हम क्या करें यार, जाके पहले डाइवोर्स के पेपर लेके आओ। अरे वो तो है ही नहीं, कहाँ से लाऊं, कुछ करें। अरे क्या करें पटेल साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज, कुछ सोचिए। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है somehow। एक प्याली चाय पीजिए फिर शायद काम करे। हाँ पिलाओ, शायद करने लगे। शुक्ला जी। जी। जरा एक प्याली चाय पटेल साहब के लिए और एक प्लेट समोसे अपने भाटिया साहब के लिए। एक्सक्यूज मी, एक नहीं 2 चाय। मेरे लिए भी 2 प्लेट समोसे लाइए। जी अभी लाया। अच्छा भाई तुम्हारी कोई बहन है? जी नहीं। समझो तुम्हें पली पलाई जवान बहन मिल जाए तो। कैसे? अपनी बीवी को अपनी बहन बना लो। अरे कैसी बात कर रहे हो, अपनी बीवी को अपनी बहन कैसे बना लूं? अरे रियली में नहीं तो सिर्फ फॉर्म पे। हाँ लिख दो कि तुम्हारी बहन लाजवंती लालवानी तुम्हारे साथ रहने आ गई है। नहीं पर। अरे पर भर क्या यार, कोई फाइल खोल के थोड़ी देख रहा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन है। लेकिन ये बात गलत है, लोग क्या कहेंगे? अरे गलत तो तब होता है जब अपनी बहन को तुम बीवी बनाते, यहाँ तो तुम अपनी बीवी को अपनी बहन बना रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो। आपको मालूम है जब से हमारी शादी हुई है हम लोग ऑलमोस्ट भाई बहन की तरह रह रहे हैं। अगर आप ऐसा करने के लिए कहेंगे तो कहीं एक्चुअली हम भाई बहन ना हो जाएं। नहीं देखो बहन बना लो, वरना 2 बातें होगी, या तो तुम्हारी बीवी का नाम राशन कार्ड पे चढ़ेगा या तो नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा कहाँ से, नहीं चढ़ा तो 2 बातें होगी, या तो उसका पासपोर्ट बनेगा या तो नहीं बनेगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो 2 बातें होगी, या तो वो तुम्हारे साथ सऊदी जाएगी या तो यहीं रह जाएगी। सऊदी चली गई तो ठीक, यहाँ रह गई तो 2 बातें होगी, या तो यहाँ किसी राधे श्याम के साथ भाग जाएगी या तो तुम्हारा इंतजार करेगी। इंतजार करना आज के जमाने में मुश्किल है, और भाग गई तो। अरे यार क्यों दूसरी बीवी से भी हाथ धोना चाहते हो तुम? बहन क्यों नहीं बना लेते? बोलो बीवी को बहन बनाते हो? ठीक है बना दीजिए बहन, लेकिन नाम तो चढ़ जाएगा ना? हाँ हाँ हम चढ़ा देंगे फॉर्म में, 15 दिन बाद पांडे जी आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। बस अपनी बीवी को बता देना कि बहन टाइप की एक्टिंग करे। और मैं? भाई की वैसे वर्षा। मेरी सास तो गई काम से। हाँ अरे सुधा की सास अभी भी जिंदा है। क्या नाम है?
अरे नाम क्या है बता नहीं सकते? मुझे क्या पता? तुम्हारा ही नाम तुम्हें ही पता नहीं? नहीं, मुझे मेरा नाम तो पता है, लेकिन सुधा की सास का नाम नहीं पता है। उसका कौन पूछ रहा था? अभी आपने कहा ना, क्या नाम है? मैंने तुम्हारा पूछा था। मेरा नाम तो सिंपल है, मुसद्दीलाल लालवानी। मुसद्दीलाल लालवानी? नहीं, तुम्हारा कार्ड तैयार नहीं है। नहीं, पर इंस्पेक्टर साहब तो चक्कर लगा के गए हैं। पर तैयार नहीं है बाबा। तो कब तैयार होगा? वो इंस्पेक्टर साहब से पूछो। जी। नेक्स्ट। जी गया। सारी इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन एक लोचा। एक और लोचा? क्यों, और भी कोई लोचा है क्या? नहीं नहीं, मतलब आप बोलिए। वो ये कि तुम्हारी बहन लाजवंती लालवानी शाहजहांपुर में लाजवंती पजवानी थी, यहाँ पे लाजवंती लालवानी कैसे हुए? नहीं, वो क्या है कि शादी के बाद नाम बदल जाता ना। शादी के बाद मायके का नाम हटके ससुराल का लगता है, लेकिन यहाँ ससुराल का ना होके मायके का जोड़ा जा रहा है। नहीं, वो क्या है कि शादी से पहले वो लालवानी थी, शादी के बाद वो पंजवानी हो गई, और तलाक के बाद वो फिर से लालवानी हो गई। तुम्हारी जवान बहन तलाकशुदा है? जी। बताइए, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो लाजवंती जैसी पत्नी को तलाक देगा? अरे वो तो साक्षात देवी है। जी। तभी मैं कहूं कि प्रॉब्लम क्या है। नहीं नहीं, पर अब तो सब ठीक है ना? ना, मैं वापस आपके घर आऊंगा, इंक्वायरी होगी, आपके पड़ोसियों से पूछताछ करूंगा कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। कब आएंगे आप घर पे? कब आओगे? जब आप आएंगे। 10 से 11 के बीच। ठीक, तो मैं चलूं? जी। तो 10 से 11 के बीच घर में रहना, मैं 2 बजे आऊंगा तेरी बहन से पूछताछ करने। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपके घर में है, आपकी बहन मेरे सवालों का सही जवाब ही नहीं दे पाई। डर गई होगी। ना, वो सहम गई। आपने डराया तो नहीं उसे? अरे मैं क्या डराऊंगा, उसे तो तकदीर ने डरा रखा है। क्या बताइए, 25 साल की जवान सुंदर सुशील लड़की, ये तलाक की उम्र है? ये तो शादी की उम्र है। आप अपनी बहन की दूसरी शादी क्यों नहीं करा लेते? अरे पागल हो गए, अपनी पत्नी की शादी करा दूंगा मैं। नहीं मतलब अपनी बहन की शादी करा दूंगा मैं। हाँ, लोग तो कराते हैं। मैं नहीं कराऊंगा, कभी नहीं कराऊंगा। अरे भाई ऐसा मत करो, पूरी उम्र पड़ी है उसके सामने अभी। देखिए ऐसा है कि आप राशन कार्ड में मेरी पत्नी मतलब मेरी बहन का नाम चढ़ा दीजिए बस। एक लड़का है मेरी नजर में। आप नाम चढ़ा दो, उसके बारे में लड़के के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उसके लिए तो कई बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। मांडे जी, पिछले 1 महीने में 15 बार इंक्वायरी कर चुके हैं आप। वो तो जरूरी है, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वेरीफाई करते रहेंगे। तो कितनी देर वेरीफाई करेंगे आप? सारी इंक्वायरी हो चुकी है, बस आखिरी इंक्वायरी रह गई है, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी कार्ड पे आपकी बहन का नाम लिख देंगे। आखिरी इंक्वायरी? जी हाँ, एकदम आखिरी। हाँ, उसके बाद तो आप मेरे घर के आसपास दिखाई नहीं देंगे। कभी नहीं। ठीक है, अब ये बताइए कि आप आएंगे कब? जब आप घर पे नहीं होंगे तब। ओके। छोड़े आप, सारा खाओगे। खाना बड़ा टेस्टी था। अरे खाना छोड़िए, पान का जवाब नहीं। मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। और नाम कुछ सुना सुना था ना, कौन पांडे? वो पांडे जी, पांडे, पांडे का बच्चा कहाँ है? क्या बात है मुसद्दीलाल जी, टेंशन में क्यों हैं आप? अरे ये देखिए, आपका राशन कार्ड भी तैयार है, आपकी बहन का आई मीन बीवी का नाम भी चढ़ा दिया है। उतार दो, उतार दो। क्या बोल रहे हैं, इतनी मुश्किल से तो चढ़ाया है। 25 बार पांडे जी इंस्पेक्शन किए, इतने समोसे आपने खिलाए और कह रहे उतार दो उतार दो। अरे मेरी बीवी भाग गई। वो पहली वाली शकुंतला लालवानी तो पहले ही भागी हुई थी ना। लाजवंती लालवानी भी भाग गई। बाप, किसके साथ? पहली वाली पड़ोसी को प्यारी हो गई थी और दूसरी वाली पांडे जी को। अरे आपको कैसे पता? उसी की शादी की तो मिठाई खा रहे हैं, आप दिखाएंगे? थोड़ी सी खा लेता हूँ। शादी में मिठाई अच्छी बनवाई है उन्होंने।